Hello guys, I'm Yogendra and I'm welcoming you in the Sure Solution YouTube channel for UGC NET. Guys, aaj hum baat karenge Bishop's Ban and War of Theater. These two are very important events happening at the end of 16th century and continues during the first part of 17th century. Okay. First of all, we will talk about Bishop's Ban, then move towards War of Theater. Both are interconnected. Guys, first on 1st June 1599, in England, there was a rule passed by two clergies, two bishops named John Whitgift, Bishop of Canterbury, and Richard Bancroft, Bishop of London. These two bishops passed a rule, and according to that rule, they banned the direct satire, personal satire in prose and poetry. this event was supported by Ben Jonson and opposed by Marston and Dekker, and this thing caused War of Theater. Means प्रोज पोइट्री में ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर नहीं सकते थे, सो दे चूज ड्रामा एज अ मीडियम फॉर क्रिटिसाइजिंग ईच अदर. ओके, इट वॉज स्टार्टेड बाई डेकर एंड मार्स्टन साइड. मीन्स देयर वर टू ग्रुप्स, वन इज बेन जॉनसन एंड अनदर इज डेकर एंड मार्स्टन. डेकर कॉल्ड दिस वॉर ऑफ थिएटर दिस थिंग एज पोएटोमेसिया. ओके गाइस, ये इनका एक कॉन्फ्लिक्ट है. अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इनकी सीरीज कैसे बिगिन होती है, कौन स्टार्ट करता है और इसके बाद कैसे कौन जवाब देता है, उसके लिए हमने इस सीरीज के सारे प्लेस को नोट किया है. उसे आपको मैं बोल रहा हूं, उसे आप ही नोट कर लेंगे. ये बिगिन होता है हिस्ट्री ऑफ मेस्टिस्क से, जो कि 1599 में जो है क्रिटिसाइज करता है मार्स्टन बेन जॉनसन को. नेक्स्ट प्ले, इसका आंसर बेन जॉनसन अपने अगले प्ले में देता है सेम ईयर 1599 में, जिसका नाम है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर. आउट ऑफ हिज ह्यूमर के अगेंस्ट फिर से जो है उसके आंसर में लिखता है जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट. ये लिखते हैं जॉन मार्स्टन 1600 में. देन इसके बाद इसकी रिप्लाई बेन जॉनसन देता है सिंथियाज रेबल में, दैट इज 1600, एंड देयर आफ्टर इट वॉज रेस्पॉन्डेड बाई मार्स्टन बाई वाट यू विल इन 1601. इट अगेंस्ट दिस वर्क, मीन्स अगेंस्ट वाट यू विल, बेन जॉनसन रिप्लाइड विद पोएटेस्टर इन 1601, एंड आफ्टर दैट इट वॉज एंडेड बाई डेकर विद हिज प्ले सैटायरोमेस्टिस. सो यहां पर एक पॉइंट आपको जो याद रखना है कि बिगिन किसने किया था, मार्स्टन ने, और बिगिन का जो वर्क था वो हिस्ट्रियोमेस्टिस था 1599, और जो इन दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का एंड होता है दैट इज 1601, किसके वर्क से, डेकर के वर्क से, दैट इज सैटायरोमेस्टिस. इसके बाद इनमें से कुछ राइटर टर्म्स में भी आ गए थे. ओके, तो हुआ क्या उसमें, लेटर जॉनसन एंड मार्स्टन केम इन टर्म्स एंड दे बोथ रोट ईस्टवर्ड इन 1605 इन कोलैबोरेशन इन रिस्पांस ऑफ वेस्टवर्ड हो दैट इज रिटन बाय थॉमस डेकर एंड वेबस्टर. मींस कि 1645 में डेकर एंड वेबस्टर ने एक प्ले लिखा जिसको कहते हैं वेस्टवर्ड हो. वेस्टवर्ड हो के अगेंस्ट जॉनसन एंड मास्टर ने कोलैबोरेशन में वर्क लिखा जिसका नाम है ईस्टवर्ड हो. देन इसके अगेंस्ट दूसरा वर्क जो लिखा गया वो डेकर और वेबस्टर ने लिखा, वो था नॉर्थवर्ड हो. ओके गाइस, यहां दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इन्हीं के नाम से रिलेटेड बताता चलूं कि जो वेस्टवर्ड हो है इसी सेम टाइटल का एक नॉवेल है जो 1855 में पब्लिश हुआ था, रिटन बाय चार्ल्स किंग्सले. ओके, दूसरा
हिस्टियोमेस्टिस टाइटल से रिलेटेड है, हिस्टियोमेस्टिस द प्लेयर्स स्कोर्स, ये एक क्रिटिकल वर्क है विलियम पिरेन का, PRYNNE, जो कि 1632 में पब्लिश हुआ था और ये इंग्लिश रेनेसा थिएटर पर एक अटैक है। तो गाइज इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कितने काम की रही, कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन प्रेस करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे और भी स्टूडेंट्स इस फ्री कोर्स का लाभ उठा सकें। ऑल द बेस्ट।